सो फाइनली गाइस, मेरा नाम रॉकी, आप जानते हो, ठीक है। और आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, तो सबसे पहले आपको बता दो, आपने अगर फर्जी मूवी नहीं देखी है तो देख लो, ठीक है। बहुत मस्त मूवी है और उस मूवी का मुझे पोस्टर पसंद आया था, तो उसी पोस्टर को मैं एडिट करने वाला हूँ, ठीक है। तो आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो सबसे पहले हम पिक सर्पन कर लेंगे, ठीक है। और इस बैकग्राउंड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो आप वहाँ से लोड कर लेना। तो इसको थोड़ी से क्रूप कर लेंगे और इसे रिसाइज भी कर लेंगे, ठीक है। रिसाइज करने से क्वालिटी आ जाती है फोटो में। इसको सबसे पहले अपने ऐड फोटो पर जाएंगे, ठीक है, और अपना मॉडल को ऐड कर लेंगे। तो मैं सबसे पहले ही कटआउट करके रख लिया था, ठीक है। तो अभी अपना कटआउट करके रख लेना फोटो को। और यहाँ से दोस्तों आपको वीडियो स्किप नहीं करना, ठीक है। आपको स्टेप बाई स्टेप आपको देखना है। सबसे पहले तो मेरे बालों में थोड़ा एक्स्ट्रा मतलब कटिंग हो गया था, तो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसको मैं इतना करने वाले पहले इसको डन कर देता हूँ। तो सिंपल से इसको डन करने के बाद आपको पहले इसको कर लेते हैं, ठीक है। तो मेरा इतना कंप्लीट हो चुका है, इसको मैं डन कर लेता हूँ, ठीक है। और फिर से अपने इरेज फोटो पर जाएंगे, पहले इसको एडजस्ट करना अच्छी तरह से। तो इसको आपको मैं बता दे रहा हूँ कैसे करना है, जैसे फर्जी लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका सिंपल से इसका ओपेसिटी आपको कम कर देना है, ठीक है। और जितने भी मतलब फेस छोड़कर, ठीक है, शरीर पे जितने भी एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है उसको इरेज करना है, ठीक है। जैसे मैं आपको अभी जूम करके बता दे रहा हूँ, जैसे एफ क्या कहते हैं आर है, ठीक है। अभी मैं आर का जो अंदर का है इसको इरेज कर देता हूँ, मतलब रियलिटी आ जाएगा, ठीक है, ये ऊपर ऊपर आ जाएगा। तो इसको मैं कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं वीडियो थोड़ा फास्ट कर दे रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा दोस्तों टाइम लगा था मुझे करने में, ठीक है। तो आप आराम आराम से करना है, क्योंकि इसमें अगर आपको ऐसा फोटो एडिटिंग करना है तो इसमें टाइम देना पड़ेगा आपको, क्योंकि फर्जी मूवी का जो मतलब PNG है दोस्तों, बनाने में ही बहुत वक्त लग गया था, ठीक है। तो इसलिए मैं वीडियो यहाँ से फास्ट कर देता रहा हूँ। और आपको अगर PNG आपको पूरा मतलब नॉर्मल मिल जाएगा, ठीक है, आप उसके लिए टेंशन मत लेना। तो सिंपल से इसको इतना करने के बाद इसका ओपेसिटी पहले बढ़ा दिया था, ठीक है। और इसको जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको मैं फिर से इरेज कर दे रहा हूँ, मतलब जो हो गया शरीर पर, जैसे भी देख सकते हैं यहाँ पे जो ज़्यादा रिमूव हो गया, ठीक है। तो इसको इरेज कर दे रहा हूँ, जैसे ब्लैक है, ठीक है, तो इसको मैं वाइट करना है। तो सिंपल से इतना इसको मतलब बहुत ही बारीक बारीक से करना है, क्योंकि मैं टाइम दिया था इसमें बहुत ज़्यादा, तो यहाँ से इसलिए मैं वीडियो इसको फास्ट किया था, ठीक है। तो आप आराम आराम से कर लेना, मुझे जहाँ जहाँ दिख रहा है उसे मैं अपना अपना कर दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे पूरा रियलिटी लुक करना चाहिए, मतलब फर्जी है तो फर्जी ही करना, ठीक है। तो इसे डन कर देता हूँ दोस्तों। इस मूवी का मैं बहुत बड़ा फैन हो गया, समझी। तो अभी देख लेना। तो सबसे पहले इसके इफेक्ट ऑप्शन पर जाएंगे, ठीक है, और आपको सिंपल वाले ऑप्शन पर जाएंगे, ठीक है। इसमें आपको एक मूवी का जो जो होता है मतलब आप इफेक्ट बोल सकते हैं या जो भी हो, मतलब आपको इसमें मिलेगा, ठीक है। तो मैं बता दे रहा हूँ आपको कौन सा लेना है। आपको ये वोमेन कॉलर लिखा हुआ, ठीक है, इस पर जाने के बाद वाव वाव कलर लिखा, ठीक है, वन का ऐसे कुछ है दोस्तों, आप देख लेना ध्यान से, ठीक है। और सिंपल से इसका ओपेसिटी मतलब कम करेंगे, पहले इसको इन्वाइट करके अपने फेस पे इसे इरेज कर लेंगे, ठीक है। आप देख सकते हो, क्योंकि जो बड़े बड़े मूवी होते हैं और जो भी मतलब पोस्टर टाइप फोटो एडिट होता है, ठीक है, उसमें इस वाला कलर को ऐड किया जाता है, मतलब इफेक्ट जो कलर जो भी है। तो इसको मैं पहले ऐड कर लेता हूँ अच्छी तरह से, ठीक है। फेस पे और हैंड पे दोनों तरफ करना है, ऐसा नहीं कि फेस पे ही करना है दोस्तों, नहीं तो फेक वाला ही फेक लगेगा, ठीक है। इसलिए आपको थोड़ा रियलिटी लाना है इसमें। सिंपल से इसका ओपेसिटी आप कम कर सकते हो, ज़्यादा भी कर सकते हो। तो इसमें मैं कम कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पूरा शाहिद भाई का लिख नहीं, मतलब उनके तरह नहीं करना है, ठीक है। तो मैं कम ही कर रखा हूँ। सिंपल से इसको आपको इफेक्ट वाले ऑप्शन पर जाना है, ठीक है। और आपको फिक्स लिखा हुआ है, ठीक है, फिक्स पर जाने के बाद आपको दोनों पर HDR होगा, उसको ऑन ऑन कर लेना है, ठीक है। और इसमें आपको थोड़ा बहुत एडजस्ट करना है, तो इसमें मैं थोड़ा बहुत देख लेता हूँ, ठीक है। मुझे कुछ सेचुरेशन कम ही रखना है, आप ब्लर रख सकते हो, नहीं भी रख सकते, ठीक है। तो इसको मैं इतना करने में डन कर देता हूँ। तो फाइनली गाइस, मेरा फोटो एडिटिंग हो चुका है, ठीक है। तो आज का आपको फोटो एडिटिंग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। तो दोस्तों अभी भी मुझे बहुत ही सपोर्ट की जरूरत है, आप जानते हैं, ठीक है। तो सपोर्ट करो इस छोटे भाई को, ठीक है, क्योंकि मुझे अभी चैनल पे कम्युनिटी गाइडलाइन आ गया, तो एक मैं गलती किया था, तो मुझे इसका भी फील होता है, बैड फील होता है दोस्तों। तो सपोर्ट करिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू वेल।